थरथरी प्रखंड के जैतपुर पंचायत के धर्मपुर गांव में बखोरी राय जी का दी ग्रेट बिहार विदेशिया जो नाट पार्टी है और उसके जो संचालन कर रहे हैं मुन्ना विदेशिया नाट या विदेशिया पार्टी कलाकार जो उपस्थित हैं इस मंडली में उन तमाम लोगों को और ग्रामवासी धर्मपुर के और जहां तक आवाज जा रही है इस मंच से तमाम लोगों को मैं अपने तरफ से और अपनी जो संगठन है पार्टी है अखिल भारतीय किसान महासभा भाकपा माले उसके तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जैसा कि बखोरी जी ने बताए कि जो भी कलाकार आए हुए हैं इस मंडली में उनके लिए पुरस्कृत के रूप में अंग वस्त्र दान रूपी कहा जाए देना है। तो साथियों इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी कला हो चाहे विदेशिया नाट कला हो या और कोई जन संस्कृति कार्यक्रम जो होता है इसको समझने की जरूरत होता है। कोई कला गलत नहीं होता है, कला कला होता है और कला के माध्यम से कोई पुरानी चीज है इतिहास का चीज है उस चीज के बारे में ये लोग प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शन करते हैं। 2000 देवनंदन जी हैं, देवनंदन पासवान उर्फ एकमान जी आज वृद्धा हो चुके हैं, लंदा आएंगे और एक अच्छा आगे गंज ले जाएंगे और पचमा पुरस्कार है चंद्रशेखर पासवान कलाकार और उर्फ नाल उर्फ नगड़ा वादक तुलसी पुनरिया थाना सिखारा जिला नालंदा अपना पुरस्कार ले जाएंगे और छठा है सुगन भारती डांसर स्टेज पर आएंगे और मोनीलाल यादव जी के हाथों से गमछा गंजी और एक नौजानी पितावा ले जाएंगे सुगन भारती। और छठा पुरस्कार परमानंद कुमार दुर्गांव थाना एकंगरसराय जिला नालंदा आएंगे और अपना पुरस्कार कामरेड मूललाल यादव जी के हाथों से गमछा और गंजी और मौजानी पितावा ले जाएंगे परमानंद डांसर। और नौवां पुरस्कार है धनजू कुमार ग्राम कपसीमा आएंगे और मोनीलाल यादव के हाथों से अपना पुरस्कार ले जाएंगे धनजू कुमार। और दसवां पुरस्कार पल्लू कुमार ग्राम बलवा पर थाना हिंसा जिला नालंदा आएंगे अपना पुरस्कार ले जाएंगे। और दसवां पुरस्कार रेणु पंडित जोकर साहब रेणु पंडित जोकर ग्राम कृष्णा विघात थाना हिंसा जिला नालंदा आएंगे और कामरेड
किसान नेता मूल राजा जाधव जी के हाथों से अपना पुरस्कार ले जाएंगे। मिस मुस्कान जी और ग्यारहवें नंबर में मिस मुस्कान जी पटना से रहने वाली हैं, आएंगे हमारे किसान नेता मूनलाल यादव जी के हाथों से अपना पुरस्कार गमछा और गंजी। अब 500 रुपया आपको खुशी में दे रहे हैं पुरस्कार में। मिस मुस्कान जी मिस काजल जी पटना एग्जीबिशन रोड आएंगे, अपना पुरस्कार ले जाएंगे। हाँ काजल जी इस कंपनी के कलाकार गोरख पासवान ग्राम निर्यात थाना चिकसौरा जिला लंदा आएंगे और अपना पुरस्कार मौजा गमछा गंजी कामरेड मूनलाल यादव जी के हाथों से ले जाएंगे। और अब आप लोग के सामने मनोज कुमार कलाकार ग्राम मुसुदपुर थाना शाहजहांपुर जिला पटना आएंगे और अपना पुरस्कार इस मंच से कॉमरेड मूनलाल यादव के हाथों से ले जाएंगे। मिस मनोज सक्सेना और अब आप लोग के सामने जितेंद्र सपेरा ग्राम बलवापर थाना तिरसा जिला लंदा आएंगे, अपना पुरस्कार ले जाएंगे। गुड्डू प्रसाद ग्राम बलवापर थाना तिरसा जिला लंदा आएंगे, अपना पुरस्कार गमछा और गंजी बगल ले जाएंगे। हेलो Thank you.
लगता है कि कोई बाग में कोमल कली मुस्कुरा रही इस तरह की हसीन तुम्हारे चेहरा पर बेटी बातें क्या कहो मिला माँ सुनो मैं क्या कह सुनाती क्या बेटी लग चुकी है सुनो बेटी क्या माँ क्या तुम बेटी माँ Thank you.
क्या दिल में लल रहा है, वो कह के सुनाओ। मैं सुनने के लिए छुकू में थी। सुनो माँ, मैं खुद ही कहकर सुनाती हूँ। क्योंकि बेटी मेरा आज इतना खुश है, मैं भी देख करके खुश हूँ बेटी। खुश की बात ही है माँ। क्या बेटी, मुझे इस चीज का ललसा लग चुकी है माँ। कि क्या बेटी, मैं अपनी तुम्हें दिल में लालसा है अपने बाबा के बगीचे में घूमने के लिए जाएंगी। मेरे पिताजी को बाग में मैं घूलने जाऊंगी माँ, क्योंकि घुल्ला बड़ी दूध हो गई है माँ। अभी तक मैं देखी हूँ नहीं कि क्या चीज का वृक्ष है वहाँ पे लगल, क्या चीज का फुलवाड़ी है माँ, वो मैं नहीं देखी हूँ। ठीक है बेटी, तो बड़ी खुशी की बात है, सुनो। खुशी खुशी बगीचे में से घूमकर सब बाग बीचे घूमकर खिलता हुआ कली की तरह हंसते गाते मेरी आगे में चला ना बेटिया। माँ हुकुम दे दी माँ। हाँ बेटी जा। बेटी लेकिन तुम अकेली नहीं जा सकती हो, और सखी सहेली की बुलाकर साथ में लेते जाना। ठीक है माँ, तूने हो क्योंकि सखी साथ में जाएगी तो तुम्हें और आनंद आएगी बेटी। जिस तरह सीता माता जानकी माता के
गौरी माता के पूजा करने के लिए गई थी। हाँ माँ, तो सखी सहेली के साथ में गई थी। हाँ उस तरह तुम ही सखी सहेली के साथ में जाना। मैं सखी सहेली के साथ में बाग भूल जाऊंगी। अभी अभी मैं बुलाती हूँ माँ। अरे वो मेरी सखी सहेली, जल्द से आओ। बेटी के साथ में जाओ और सब घूम घाम कर फिर सखी बगीचा घूम कर चले आना, हंसते खेलते जाना, हंसते खेलते चले आना। ठीक है जाओ, माँ के आशीर्वाद तेरे साथ है। Good night.